उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब चुनाव अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। 6 चरणों की वोटिंग के बाद राज्यों में 7वें और अंतिम चरण का मतदान सोमवार यानी 7 मार्च को होगा। 7वें चरण में राज्य के 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके लिए चुनाव प्रचार शनिवार शाम 6 बजे से थम गया था, लेकिन इससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। अंतिम चरण में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत पूर्वांचल के 9 जिले शामिल हैं। आपको बता दें कि यूपी में अब तक 403 सीटों में से 349 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 7वें चरण में राजनीति के कई दिग्गजों समेत योगी सरकार के 6 मंत्रियों की परीक्षा होगी। इनमें से 5 वर्तमान मंत्री हैं। 7 मार्च को आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिलों में मतदान होना है। इन जिलों की 54 सीटों पर कुल 613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे। 7वें चरण में सियासत के कई धुरंधरों की किस्मत का भी फैसला होगा। योगी सरकार के 7 मंत्रियों की साख इस चरण में दांव पर है। वहीं कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान, अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, नीलकंठ तिवारी, गिरीश यादव, रमाशंकर सिंह पटेल, दुर्गा प्रसाद यादव, आलम बदी आजमी, शैलेंद्र यादव, विजय मिश्रा, ओम प्रकाश राजभर, तूफानी सरोज, धनंजय सिंह, मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अपने पिता की मऊ सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि किन 54 सीटों पर 7 मार्च को मतदान होगा। 7वें चरण में रॉबर्ट्सगंज, ओबरा, दुद्धी, दीदारगंज, अतरौली, गोपालपुर, सकलडीहा, सागरी, शिवपुर, मुबारकपुर, सेवापुर, भदोही, ज्ञानपुर, औराई, मधुबन, गोसी, मोहम्मदाबाद गहना, मऊ, मोहम्मदाबाद, सैयदपुर, चकिया, अजगर, रोहनिया, मछलीशहर, मडियाहूं, छाबी, मिर्जापुर, मछवा, चुनार, शाहगंज, जौनपुर, मलहनी, बदलापुर, पिंडारा, आजमगढ़, निजामाबाद, जमानिया, मुगलसराय, फूलपुर, पवई, लालगंज, मेहरगढ़, जाफराबाद, सैयदपुर, मरीहा, घोरावल, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट, गाजीपुर, जंगीपुर, जहूराबाद और मुंगरा बादशाहपुर सीट पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। देश का सबसे बड़ा सूबा सुना रहा है अपना फैसला। आ रहे हैं यूपी और 4 अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे। इन नतीजों से जुड़ी हर बात, सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचेगा। 10 मार्च को दिन भर जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।